ये है बीपिंग बूम टीवी। शर्मन जोशी ने साइन की अब्बास मस्तान की साइकोलॉजिकल वेब सीरीज पेंट हाउस। नेटफ्लिक्स पर होगा प्रीमियर। आज की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर, अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाने वाले एक्टर शर्मन जोशी ने एक नई वेब सीरीज साइकोलॉजिकल थ्रिलर पेंट हाउस को साइन कर लिया है। जी हाँ, 90s के दशक की हिट डायरेक्टर की जोड़ी अब्बास मस्तान इस शो का संचालन करेंगे, जिसका प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर किया जाना है। हालांकि इसकी शूटिंग में कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन की वजह से देरी हो रही है। ऐसे में प्रोडक्शन हाउस के एक करीबी सूत्र ने पीपिंग मून को एक्सक्लूसिवली बताया कि डायरेक्टर्स की जोड़ी अब्बास और मस्तान अपनी थ्रिलर जॉनर के साथ वापस आ रहे हैं, जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। उन्होंने अपने अगले प्रोजेक्ट पेंट हाउस के लिए शर्मन जोशी को साइन किया है, जिसमें वो मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। बता दें कि इसके लिए एक्टर अप्रैल 2020 के पहले सप्ताह तक अपने हिस्से की शूटिंग शुरू करने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण देरी हो गई है। जाहिर है कि स्थिति अनिश्चित है और बाकी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तरह टीम इस लॉकडाउन के खत्म होने का इंतजार कर रही है। बता दें कि ये सीरीज नेटफ्लिक्स के लिए ओरिजिनल कंटेंट होने वाली है। देखा जाए तो पिछले साल शर्मन जोशी ने एकता कपूर की बारिश के साथ अपना डिजिटल जेब किया था। शो में एक्टर ने अनुज मेहता की मुख्य भूमिका निभाई थी। शो के पहले सीजन की सफलता के बाद उन्हें 2 हफ्ते पहले शो के दूसरे सीजन में देखा गया और उसे फैंस और क्रिटिक्स का मिक्स रिस्पांस मिल गया। बात करें अब्बास मस्तान की आखिरी डायरेक्टर की गई फिल्म की, तो उन्होंने अब्बास के बेटे मुस्तफा स्टारर मशीन को डायरेक्ट किया था। हालांकि फिल्म दर्शकों को इम्प्रेस करने में असफल रही थी। खैर, अब अब्बास मस्तान की साइकोलॉजिकल वेब सीरीज पेंट हाउस में शर्मन जोशी को देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। वेल, ऐसी ही लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए लॉग इन करें peepingmoon.com।